एक तस्वीर कानपुर से सामने आई और हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीर थी। नौकरानी ने की 3 साल की मासूम की पिटाई और इस पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो क्रूरता की हृदय पार करती हुई नौकरानी दिखाई दी। नौकरानी ने बेरहमी से मासूम की पिटाई की। बच्चे की देखरेख के लिए ये नौकरानी रखी गई थी। बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार किया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की घटना और इस तस्वीर को देखिए। अगर आपके घर में भी केयरटेकर के तौर पर नौकरानी है जो बच्चे की देखभाल करती है तो थोड़ा सावधान होने वाली खबर है। देखिए, ये संज्ञान में आया कि कल्याणपुर में एक रेजिडेंस में जहाँ उन्होंने सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए थे, उस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में मेड जैसे ही घर वाले वापस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं या कहीं बाजार जा रहे हैं, तो पीछे से मेड छोटे बच्चे को पीट रही है। यही सूचना पुलिस को मिली थी और ये फुटेज भी पुलिस को मिली है। उसी के आधार पे एक तहरीर पेरेंट से लेके उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करके उस मेड को अरेस्ट कर लिया गया और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीर परेशान करती है। नीरज जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी कानपुर से। नीरज, सावधान होने वाली खबर है। तमाम माँ बाप जो अपने बच्चों को केयरटेकर के पास छोड़ देते हैं या नौकरों के हवाले कर देते हैं, उनके लिए सतर्क होने की खबर है। जो लोग हैं जो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और नौकर नौकरानी या मेड के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ते हैं, तो तमाम बार पहले भी ऐसी तस्वीरें देखी जा चुकी है। आज कानपुर में भी इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को सामने आई है। एक परिवार जो कल्याणपुर में रहता हुआ है और खुद जो परिवार के मालिक है वो रेलवे में एम्प्लॉय है। इसके अलावा जो उनकी पत्नी है वो एम्प्लॉय है, एक गवर्नमेंट सर्विस में है, और वो जो अपने बच्चे को, जो 3 साल का मासूम बच्चा है, उसको अपनी नौकरानी के भरोसे घर में छोड़ के आते थे। आमतौर पे कई दिनों से वो चिड़चिड़ा स्वभाव बता रहा था जो परिजनों का कहना है। उसके अलावा वो डरा सहमा से लग रहा था। उसके बाद जब घर वालों को शक हुआ तो उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज संभाले तो उसमें ये सब चीजें दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की। आरोपी जो नौकरानी है उसको हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो साफ तौर पर सचेत करती हैं इस तरीके के मामलों को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए और इस तस्वीर के लिए भी। सावधान करने वाली ये तस्वीर।